नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, जो स्टॉक्स इस टाइम ब्रेकआउट लेवल पर हैं, जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया हुआ है, उन सब स्टॉक्स की बात करेंगे। आप चाहें तो उनको पोजिशनल के लिए बाय कर सकते हैं, बट बाय करने से पहले आप अपने टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिएगा और अपने एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लीजिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा 10 से 12 ब्रेकआउट स्टॉक्स जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया हुआ है और जो है मतलब अभी एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। मैं आपको टोटल प्रॉपर सारी लॉजिक बताऊंगा कि किस लॉजिक पे हम जो है बाय करने जा रहे हैं, या फिर किस लॉजिक पर मैंने वो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, वो सारे लॉजिक मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। तो कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इसमें काफी लॉजिकल चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो चलिए ये देखिए, मैंने अभी चार्ट खोला हुआ अपोलो टायर। तो अपोलो टायर का आप अगर यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ये ट्रेंड लाइन था, जहां पर ये कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनते हुए आ रहा था, और इसको पकड़ के हमने देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और फाइनली देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। और ये मैंने आप लोगों को काफी पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, जब इसका फाइनली ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम में मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया था। और अगर आपने उस टाइम में अगर एंट्री बनाई होगी तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे पैसे बनाए होंगे। सेकंड देखिए, मैंने जो भी अभी फिलहाल जो अभी ब्रेकआउट देने वाले हैं, जो अभी ब्रेकआउट लेवल पर बिल्कुल खड़े हैं और जो स्टॉक्स अभी ब्रेकआउट देने वाले हैं और जो बहुत अच्छी रैली अभी कर सकते हैं, वो सारे स्टॉक्स विद चार्ट मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिए हैं। आप वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल में आप देख सकते हैं वो सारे चार्ट, मैंने 15-20 चार्ट हैं वो मैंने सारे आज सुबह के टाइम में पोस्ट किए हैं, क्योंकि वो अब सारे ब्रेकआउट लेवल के नजदीक हैं और वो ब्रेकआउट आज दे दें, कल दे दें, 2 दिन में दे दें, 3 दिन में दे दें, ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर सारे चार्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखने में बहुत मदद मिलने वाली है उन चार्ट को देखकर। तो फाइनली देखिए, यहाँ पर मैंने अपोलो टायर का यहाँ पर चार्ट खोला हुआ है और यहाँ पर देखिए फ्राइडे के सेशन में यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल देखिए कितनी अच्छी पूरी हरी भरी कैंडल बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी इस कैंडल में बहुत अच्छा लगा हुआ है। सो यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाइंग करने के लिए देखिए यहाँ पर 195 के ऊपर यहाँ पर एक अच्छी बाइंग यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट मैं चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो स्टॉक है हमारा कोल इंडिया का। तो कोल इंडिया ने भी ब्रेकआउट दे दिया है, ये मैंने निफ्टी 50 की जो वीडियो बनाकर डाली हुई है वहां पर भी आप लोगों को ये मेंशन किया हुआ है। तो फाइनली देखिए, अब मैं कोल इंडिया का चार्ट मैं अब हम देखिए हम सेम वही ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये देखिए देखिए चीजों को समझिए, लॉजिक समझिए, किस तरह से मूव होती है यहां पर, किस तरह से ब्रेकआउट होते हैं, किस तरह से मार्केट काम करती है, उन चीजों को समझिए। अब ये देखिए यहां पर देखिए एक टच, दो टच, 3, 4, 5, तो या और ये 6, फाइनली देखिए एक ही ट्रेंड लाइन को 5 बार टच हुआ यहां पर। ये जो कोल इंडिया का स्टॉक है 5 बार इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया और फाइनली देखिए यहां पर ब्रेकआउट दे दिया है। और ये जो ब्रेकआउट आया हुआ है तो ये देखिए आप अगर देखेंगे तो पिछला पिछले दिन ही यहां पर ब्रेकआउट आ गया था, बट ये जो है ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं हो पाया और फाइनली जो है नीचे की तरफ आ गया था। और फाइनली अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल भी बहुत अच्छी बनी हुई है और यहां नीचे पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा लगा हुआ है और इसकी जो क्लोजिंग आई है वो प्रीवियस हाई से ऊपर आ चुकी है। सो यहां पर हम जा सकते हैं, लॉन्ग जा सकते हैं, 138 के लेवल पर अभी चल रहा है 138, और यहां पर हम देखिए 130 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर हम कोल इंडिया में जो है ऊपर जो है लॉन्ग कर सकते हैं। सो ये था हमारा दूसरा ब्रेकआउट का स्टॉक्स। अब मैं बात करूंगा आपसे तीसरा जो स्टॉक है वो स्टॉक है गेल। अब देखिए गेल के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, गेल मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही मेंशन किया हुआ था, नियर अबाउट 85 के लेवल के आसपास जब इसने फर्स्ट ब्रेकआउट दिया था 85 के लेवल के आसपास। अभी मैं आप लोगों को वो सारी चीज समझाऊंगा, वो लॉजिक विद प्रॉपर लॉजिक मैं आप लोगों को यहां पर समझाने वाला हूं। अभी देखिए यहां पर क्या था, यहां पर एक सपोर्ट लेवल था 80 के आसपास, ये जो 80 का जो लेवल है यहां पर एक सपोर्ट लेवल था। और फाइनली यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट बार बार जो है नीचे की तरफ आ जा रहा था। अब यहां पर देखिए यहां पर डबल बॉटम बना, डबल बॉटम बनने के बाद जब ये ऊपर की तरफ निकलने लगा था तो यहां पर फाइनली हमने 85 के लेवल पर एंट्री ले ली थी। बट देखिए यहां पर हमारा जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस हमारा 80 का था और इसके बाद दोबारा देखिए गेल का स्टॉक जो है नीचे
अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने आया है। और फाइनली अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वन बॉटम, टू बॉटम और थ्री बॉटम, तो यहाँ पर ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन गया था। सो हमने अपनी आधी क्वांटिटी जो थी 85 पर हमने यहाँ पर बाइंग करी थी, और नेक्स्ट क्वांटिटी हमने बाय करी थी 90 पर। अब देखिए, अब मैं आप लोग को यहाँ पर एक मैं बड़े फिगर में लेकर चलूंगा और बड़े फिगर का चार्ट मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, यही ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर की तरफ से यहाँ पर से ड्रॉ कर लिया है। अगर आप लोग को पिक्चर क्लियर ना दिख रही हो तो फिर मैं जो है दोबारा इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, इसको जरा मैं इसको वीकली चार्ट करता हूँ, और वीकली चार्ट में मैं देखिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें देखिए काफी लॉन्ग टर्म पीरियड का ये जो चार्ट है, सो मैं आप लोगों को लंबे पीरियड में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। सो यहाँ पर अब देखिए, अब मैंने इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया है। चलिए, अब आपको ये ट्रेंड लाइन दिखानी थी, ट्रेंड लाइन आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको डेली चार्ट में ले चल के दिखाता हूं कि हमको यहां पर किस तरह से जो है ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था अपोलो टायर में, तो अपोलो टायर में भी एक इस तरह का हमको ब्रेकआउट दिखा था। सो यहां पर भी देखिए 125 के आसपास अभी गेल काम कर रहा है। अगर आप यहां पर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 119 मीन्स 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर आप यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं। फाइनली देखिए, हम तो यहां पर अभी 80% क्वांटिटी बुक कर चुके हैं। अब जो है मंडे के सेशन में यहां पर देखेंगे किस तरह की मूवमेंट होती है, उसके बाद हम यहां पर जो है एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे द्वारा बताए गए कोई भी लेवल पर एंट्री जो है आप सोच समझ कर बनाइएगा, अपने एडवाइजर से सलाह लेकर बनाइएगा, अपनी एनालिसिस करके बताइएगा। ये जो मैं आप लोगों को चार्ट में बता रहा हूँ, जो भी चीज़ सिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए है। सो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। सो हमारा जो तीसरा स्टॉक था वो था देखिए गेल। अब गेल ने भी जो है मतलब एक बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर आ चुका है। सो हमने इसको इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा जो टारगेट होने वाला है, वो टारगेट देखिए, हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा 133 का, और दूसरा टारगेट होने वाला है वो 148 का है, और तीसरा टारगेट यहाँ पर हम जो है 170 के टारगेट के लिए जाएंगे। तो चलिए, अब हम बात करेंगे अपने अगले स्टॉक की। तो हमारा जो अगला स्टॉक है वो है ONGC। तो ONGC का देखिए, अब मैं फाइनली यहाँ पर चार्ट ओपन करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, अब ONGC का जो चार्ट है, मैं देखिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पर ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का देखिए काफी पहले यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक और चीज देखिए, मैं आप लोगों को चीज समझाने जा रहा हूँ। देखिए, चीजें मैं आप लोगों को सारी यहाँ पर लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये देखिए, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था। ये जो लेवल था वो था 93, 94 के आसपास। तो यहाँ पर देखिए, सेम उसी तरह जिस तरह से अभी हमने अपोलो टायर और गेल में देखा, जो कैंडल बनी हुई है सेम ये कैंडल ONGC में भी बनी हुई है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, पहले इसका रेजिस्टेंस ये था, और उसके बाद फिर इसी रेजिस्टेंस पर जाके यहाँ से मार्केट फिर दोबारा रिवर्स हुई है, और फाइनली देखिए जो है फ्राइडे के सेशन में इसने ब्रेकआउट दे दिया है और 93 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर ये जो वॉल्यूम देखेंगे, ये पीछे के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है। ये वॉल्यूम मेरे हिसाब से काफी नियर अबाउट 6 महीने तक कहीं आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जो ये वॉल्यूम लगा हुआ है। सो यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और 94 के आसपास अगर आपको मिलता है तो ये बेस्ट एंट्री रहेगी। यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहने वाला है 88 का। सो ONGC का ये था ब्रेकआउट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना जो है वो है ITC। देखिए, जो भी अभी स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के आसपास ब्रेकआउट जो कर चुके हैं, वो सारे अभी छोटे छोटे स्टॉक ही मेरे को दिखाई दे रहे हैं। सो अब देखिए, अब मैं चार्ट ओपन यहाँ पर करूंगा ITC का। तो ITC में भी देखिए, मैं एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ये ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन को देखिए, चार्ट में ख्याल से आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पर जो भी दिख रहा है मैं अभी इसको बड़ा करके दिखाऊंगा। सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कर रहा हूँ। सो आपने यहाँ पर देखा, ये जो ट्रेंड लाइन है ये कंटिन्यू देखिए, इस ट्रेंड लाइन से का रेजिस्टेंस लेकर मार्केट बार बार रिवर्स हो रही थी, और फाइनली देखिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद जो है क्लोजिंग भी ऊपर हो चुकी है, और यहाँ पर वॉल्यूम भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें पिछले रेजिस्टेंस की, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हमने देखिए और ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस जो है ITC को यहाँ पर फेस करने पड़े, और दोनों रेजिस्टेंस को फाइनली जो है ITC ने भी ब्रेक कर दिया है। अभी 216 के आसपास चल रहा है। अगर ये रीटेस्ट होता है और ये 207 के आसपास अगर एंट्री मिलती है तो ये परफेक्ट एंट्री रहेगी। 206, 207 के आसपास की एंट्री एक अच्छी एंट्री रहेगी, और यहां पर हमारा जो है स्टॉप लॉस रहने वाला है वो 202 का, सिर्फ 4 पॉइंट का यहां पर स्टॉप लॉस रहने वाला है। सो यहाँ पर हम एंट्री हम के लिए हम देखेंगे कि ये मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्ट हो, ITC रीटेस्ट हो, और यहाँ पर 206 और 207 के लेवल पर हमको मिले। अब देखिए, मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट जो चार्ट है हमारा वो है जुबिलैंड फूड का।
ये देखिए अभी मैं जुबिलैंड फूड का मैं यहाँ पर चार्ट ओपन करने जा रहा हूँ। सब फाइनली देखिए मैंने जुबिलैंड फूड का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब इसको मैं वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलिए आप लोगों को मैं इसी तरह से दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से देखिए एक इस तरह से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है ये देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब इस देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ये एक बार पहली बार भी गया था, इस बार गया बट यहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और फाइनली देखिए ये नीचे की तरफ जो है रिवर्स हो गया। अब देखिए नीचे की तरफ कहां तक रिवर्स हुआ, ये जो इसका रेजिस्टेंस था वहीं तक रिवर्स हुआ। जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, सपोर्ट लेने के बाद फिर फाइनली जो है बाउंस बैक कर गया। अब देखिए यहां पर एंट्री हमने कहां पर लेनी है, देखिए इसमें अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, यहां पर सिर्फ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और यहां पर जो एंट्री हमारी बनती है वो बनती है इसकी क्लोजिंग के ऊपर, मीन्स हमको 2670 के ऊपर, 2660 रुपए के ऊपर एक बार हमको क्लोज होने देना है। 2660 के ऊपर कोई भी डे कैंडल क्लोज होती है उसके बाद हम यहां पर एंट्री के लिए देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है वो चार्ट हम देखेंगे एलआईसी का। तो मैं देखिए मैंने एलआईसी का चार्ट यहां पर ओपन कर लिया है। तो फाइनली देखिए मैं आप लोगों को वही चीज मैं दिखाऊंगा, यहां पर एक चैनल पैटर्न बन रहा था। सो ये देखिए ये एक चैनल पैटर्न था। अब मैं नीचे की भी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ और नीचे की ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि चैनल पैटर्न किस तरह से होते हैं। देखिए फाइनली ये जो है ये एक असेंडिंग चैनल पैटर्न हम इसको बोलते हैं, जो कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है वो बनता है। सो ये जो है एलआईसी में जो एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए अभी भी हम यहाँ पर जो है कंप्लीटली ब्रेकआउट नहीं अभी यहाँ पर हुआ है, अगर हम कहें तो सिर्फ एक चैनल के ऊपर यहाँ पर जो है क्लोजिंग आई है, बट यहाँ पर हमको एक 360 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर 360 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद हम यहाँ पर लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है हमारा मारिको। तो मारिको का चार्ट मैं यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अब मैंने यहाँ पर देखिए मारिको का चार्ट ओपन कर लिया है। अब फाइनली देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए यहाँ पर एक तो ब्रेकआउट इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो रेजिस्टेंस लेवल था 380 388 390 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेवल था और फाइनली देखिए इसको ब्रेकआउट कर चुका है और ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। सो यहां पर देखिए आप यहां पर वेट करिए इसको रीटेस्ट होने का, अदरवाइज यहां पर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। देखिए ब्रेकआउट तो यहां पर बहुत अच्छा हुआ है बट यहां पर अगर आप इस लेवल पर एंट्री लेते हैं तो इस लेवल की जो एंट्री है वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकती है बिकॉज आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा होने वाला है। अब देखिए मैंने इस तरह से ये देखिए एक मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दिया है और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके फाइनली जो है ऊपर की तरफ क्लोज कर चुका है। तो ये था हमारा अगला ब्रेकआउट। अब हम बात करेंगे अगले ब्रेकआउट की जो है वो एमजीएल, ये है महानगर गैस। तो ये देखिए अब मैंने एमजीएल का चार्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए ओपन कर लिया है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने जा रहा हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है ये देखिए ट्रेंड लाइन को हम कंटिन्यू यहाँ पर पकड़ेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कर देता हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करा और ड्रॉ करने के बाद ये देखिए जो फिगर हमको सामने दिखाई दे रही है वो ये फिगर है। सो फाइनली अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया और जो ब्रेकआउट जो हुआ है वो देखिए वो ग्रीन कैंडल ने बहुत जबरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो इस तरह की कैंडल जब ब्रेक करती हैं, इस तरह की कैंडल जब बनती हैं ब्रेकआउट में, तो वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता है, उसमें फेक ब्रेकआउट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सो अभी भी देखिए हम यहाँ पर एंट्री अभी हम नहीं ले सकते, अगर हमको यहाँ पर एंट्री लेनी है तो हमको एक बार 1070 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है बट इसका जो अगला हर्डल जो है वो 1070 के आसपास है। सो देखिए अभी हम जो है उसके बहुत नजदीक है। सो यहां पर 1070 के ऊपर की क्लोजिंग आती है फिर हम इसमें जो है एंट्री के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है वो चार्ट है नेस्ले का। तो यहां पर मैंने नेस्ले का चार्ट देखिए ओपन कर लिया है। इसके बारे में मैंने एनालिसिस आपको निफ्टी 50 के चार्ट में भी बताई थी। तो यहां देखिए अब मैं नेस्ले के चार्ट में यहां पर आप लोगों के लिए ये देखिए मैं एक रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों के लिए यहां पर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो ये देखिए ये हमारा फाइनली रेजिस्टेंस लेवल था। ये देखिए अब ये रेजिस्टेंस लेवल जो था फाइनली देखिए ये जो थर्सडे का जो एक्सपायरी डे था, एक्सपायरी डे वाले दिन यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। अब ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पर एंट्री अगर लेना है तो आप ले सकते हैं बट यहाँ पर थोड़ा सा इसको और नीचे आने दीजिए, नियर अबाउट 18,100 के लेवल पर फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा होने वाला, अदरवाइज यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पर सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद जब ऊपर निकलेगा फिर आप यहाँ पर जो है एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चार्ट है वो चार्ट है पीएनबी का। तो ये देखिए वैसे तो मैं 500 के या 300 के नीचे के स्टॉक्स में देखता नहीं हूँ बट यहाँ पर जो है देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि मैं आप लोगों को सिर्फ ये स्टडी पर्पस के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो यहाँ पर जो है बाइंग के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं भी प्रेफर कर रहा हूँ।
सो ये देखिए, यहाँ पर एक 30 का जो लेवल था, 38 का जो लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ से जो है टेस्ट करने के बाद रिवर्स हुआ, दूसरी बार टेस्ट करने के बाद रिवर्स हुआ, तीसरी बार टेस्ट किया फिर रिवर्स हुआ, चौथी बार फिर यहाँ पर टेस्ट किया फिर रिवर्स हुआ, और फाइनली देखिए पांचवी बार में ब्रेकआउट कर दिया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैंने आपको बैंक निफ्टी की वीडियो में बताया था कि यहाँ पर अभी आप एंट्री मत लीजिए, ये रीटेस्ट होने के लिए आएगा, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। फाइनली देखिए रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पर बाउंस बैक हो चुका है। यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, 40 40 से 50 पैसे के आसपास चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, 38 का स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर जो है पीएनबी में जो है लॉन्ग किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो चार्ट है वो चार्ट है पीवीआर का। तो यहाँ पर देखिए पीवीआर का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब पीवीआर के चार्ट में देखिए क्या हो रहा है, पीवीआर के चार्ट में ये जो प्रीवियस हाई था फाइनली इसने देखिए प्रीवियस हाई को क्रॉस कर दिया है। अब जो वेडनेसडे का जो सेशन था, वेडनेसडे को भी इसने जो है, ये देखिए जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ये वेडनेसडे की है, वेडनेसडे को इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद देखिए अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है या इंडेक्स है, ब्रेकआउट देने के बाद वहां पर अगर 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल वहां पर कुछ सस्टेन होता है तो एक वो समझ लीजिए कंफर्मेशन होता है, बहुत अच्छा होता है। फाइनली देखिए यहां पर कहीं आसपास एंट्री नहीं बनानी है, यहां पर एंट्री जो बनानी है वो 1510 रुपए के ऊपर अगर निकलता है तो यहां पर एंट्री बनाई जा सकती है 1510 रुपए के ऊपर। और यहां पर देखिए जो भी यहां पर प्रीवियस जो स्विंग लो होगा वो उसको आप जो है स्टॉप लॉस के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ब्रेकआउट पे वीडियो, जो भी सारे ब्रेकआउट हो रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक दो स्टॉक और बता देता हूँ, सन फार्मा को देख लेते हैं। सन फार्मा में भी बहुत अच्छा जो है ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर मैंने ये सन फार्मा का स्टॉक जो है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये देखिए ये जो हमारा प्रीवियस हाई था फाइनली देखिए प्रीवियस हाई को जो है इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए अगले दिन ऊपर की तरफ गया और फाइनली देखिए रीटेस्ट करने के लिए आ गया है। अब यहां पर अगर कोई हैमर कैंडल बने या फिर यहां से कोई ग्रीन कैंडल बने तो यहां से लॉन्ग किया जा सकता है और यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर। नेक्स्ट देखिए मैं स्टॉप आप लोगों को बता देता हूँ, टाइटन का है। तो टाइटन का स्टॉक मैं देखिए काफी पहले से आपको प्रेफर कर रहा हूँ, जब 1208 के लेवल पर ये चल रहा था। अब मैं इसके बारे में देखिए मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि हमने इसको क्यों प्रेफर किया था। तो ये देखिए अब यहां पर हमने ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की ड्रॉ कर दी है और एक ट्रेंड हम सेम जो है ऊपर की तरफ इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं। मैं इसको यहां से जो है कर लेता हूं। अब देखिए अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर एक कंटिन्यू असेंडिंग चैनल पैटर्न बन रहा था और असेंडिंग चैनल पैटर्न का फाइनली यहां पर ब्रेकआउट आ चुका है। अब ब्रेकआउट आने के बाद यहां पर देखिए कंटिन्यू जो पिछला वीक था वो पूरा वीक जो है यहां पर निकल गया, एक ही हाई के आसपास जाकर यहां पर जो है टाइटन रिवर्स हो रहा था। बट यहां पर अगर हम देखेंगे फ्राइडे की कैंडल, तो फ्राइडे की जो कैंडल है, फ्राइडे की कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो इन सभी कैंडलों से ऊपर आई है। सो यहां पर एंट्री बनाई जा सकती है, 1450 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम यहां पर रख सकते हैं, 1410 का या 1405 का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहां पर जो है लॉन्ग की एंट्री यहां पर बनाई जा सकती है। तो ये थी हमारी ब्रेकआउट पर वीडियो, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए जो मैंने आपको स्टॉक बताए हैं इसको आप खुद एक बार एनालिसिस करिए, पैटर्न ड्रॉ करिए, सीखिए, समझिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कामयाब होंगे। विदाउट प्रैक्टिस यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है, प्रैक्टिस यहां पर आपको करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर किसी के भरोसे रहते हैं तो फिर आप भरोसे ही रह जाएंगे, राम भरोसे ही रह जाएंगे। सो यहां पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही चीजें आपको आसान लगने लग जाएंगी। सो प्रैक्टिस यहां पर बहुत जरूरी है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने सारे स्टॉक्स मैंने डाल दिए हैं, जो भी ब्रेकआउट होने वाले हैं वो सब विद लॉजिक, विद टारगेट, और कहां से हमको बाइंग करना है वो सारी चीजें मैंने वहां पर मेंशन कर दी है। और वहां पर चार्ट मैंने प्रॉपर लेवल मैंने सारे ड्रॉ करके वहां पर डाल दिए हैं। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर हम जो है बैंक निफ्टी के कंटिन्यू इंट्राडे चार्ट्स यहां पर पोस्ट करते रहते हैं, वहां पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।